सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के रांकी खुर्द मध्य विद्यालय के प्रांगण में रखे गए गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाए जाने वाले पाइपलाइन में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जबकि इसके लपेटे में विद्यालय का भवन भी आ गया। विद्यालय का इससे कितना नुकसान हुआ इस विषय पर पूछे जाने पर बीओ पांडे प्रेम प्रकाश शर्मा ने कुछ नहीं कहा। बता दें कि विद्यालय से सटा हुआ पाइप रखा हुआ था, जिसमें आग लगने से विद्यालय का जो पाया है उसमें आंशिक रूप से क्षति हुई है, बाकी विद्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार रांकी खुर्द मध्य विद्यालय के प्रांगण में रखे गए पाइप में अचानक 10:30 बजे आग लग गई। आग इतना भयंकर रूप ले लिया था कि बुझाने का मौका नहीं मिला। पानी डालने पर वह और विकराल रूप लेता था, फलस्वरूप लोगों ने आग बुझाना छोड़ दिया, जिससे वहां पर रखे गए पाइप जलकर स्वाहा हो गया। विद्यालय भवन रांकी खुर्द के प्रदीप सिंह के जमीन में बना हुआ है। विद्यालय से सटाकर इस पाइप को किसने रखा किसी को पता नहीं। विद्यालय के एचएम पल्लवी कुमारी ने इस विषय पर पूछे जाने पर कहा कि विद्यालय का वह जमीन नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि आग से विद्यालय का क्या नुकसान हुआ है। वहीं जमीन मालिक प्रदीप सिंह ने कहा कि पता नहीं कैसे आग लग गई। पूछे जाने पर कि किसके द्वारा पाइप रखी गई है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं है, पर वह जमीन हमारा है। गाँव में बन रहे जलमीनार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि पता नहीं किसका काम है, पर पीएचईडी के पदाधिकारी इसकी देखरेख करते हैं। वही पीएचईडी विभाग के सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है और कितना नुकसान हुआ यह बता पाना मुश्किल है। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट।